बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा पूरी संसदीय क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके हार के अपना हित का परिचय दिया और आपसी भाईचारा कायम रखते हुए भारी मतों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। इसके लिए समस्त कार्यकर्ताओं का, समस्त पूरे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन उम्मीदों के साथ मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं जनता की उम्मीदों के ऊपर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसके तहत सबसे पहला मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना, जो नई तकनीकी की शिक्षा है, डिजिटल एजुकेशन, स्मार्ट क्लास के रूप में हर प्रत्येक ग्रामीण गांव के अंतिम छोर तक बैठे किसान के बेटों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। इसी के साथ साथ पीने का पानी किसानों के लिए, खेती का पानी और जैसलमेर जिले के लिए पर्यटक उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए अथक प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत रेलवे नियमित हो या नियमित उड़ान हो या एयरपोर्ट बना हुआ है तो हवाई सेवाएं भी नियमित हो और रेल सेवाएं नियमित हो और पर्यटक उद्योग जो सीजनेबल होता है उसको कंटिन्यूस 12 महीने कैसे चले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जैसलमेर जिले के अंदर बहुत ज्यादा उद्योग, नए उद्योग धंधे लगने की अपार संभावना है, जिसके तहत सीमेंट उद्योग की प्राथमिकता से यहाँ लग सकते हैं, कई बड़े संख्या में सीमेंट उद्योग लग सकते हैं। इसके साथ साथ सोलर और विंड के क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हुआ है, इसका और अधिक कैसे डेवलप हो, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा नए रोजगारों के माध्यम से, नई कंपनियों के माध्यम से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए प्राथमिकता से पैरवी की जाएगी। ये सब जनता का आशीर्वाद है, यही असली लोकतंत्र है कि इसमें छोटा बड़ा के साथ में जनता भेद नहीं करती, जनता शायद जिसको बड़ा बना सकती है और बड़े से छोटा बना सकती है, ये सब जनता का आशीर्वाद है। देखिए सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर स्थानीय जो समस्या है ओरन भूमि की, उसका स्थायी समाधान के लिए प्रयास करेंगे। जहां लोग कई वर्षों से जन्मों से यहां बैठे हैं, उनका वो डिस्टर्ब नहीं हो, उनका स्थायीकरण हो और इसके लिए स्थायी समाधान निकालने का हम पूरी पैरवी करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। देखिए पिछले 10 साल बीजेपी के कार्यकाल के थे, वो उसके जिन भरोसा और उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी सरकार की फेल्योरिटी थी, इस वजह से जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान किया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर पुनः विश्वास जताया। जो वर्तमान परिस्थितियां थी, जो संविधान की रक्षा के लिए और आम गरीब आदमी के जो सुविधा जो बीजेपी को गवर्नमेंट के अंदर नहीं हुई, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, किसानों ने जिन उम्मीदों के साथ में बीजेपी को दोबारा पुनः सुना और कृषि राज्य मंत्री होते हुए भी किसानों के कृषि क्लेम हो, चाहे फसल बीमा क्लेम हो या किसान के लिए अंतिम जो सहायता की राशि की जितनी घोषणाएं हुई उनके अनुसार बीजेपी गवर्नमेंट खरी नहीं उतरी और बीजेपी गवर्नमेंट की फेल्योरिटी का ही कारण था कि कांग्रेस के ऊपर पुनः लोगों ने भरोसा किया और भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को जिताया। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।